नमस्कार दर्शकों, मैं हरीश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि वालों के लिए राहु, केतु और शनि का परिवर्तन कैसा रहने वाला है, आने वाला जो समय है वो मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इन तीनों ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा, कौन से क्षेत्रों पर प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ इन ग्रहों को ठीक करने के लिए क्या आपको प्रयत्न करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। राहु, केतु और शनि, इन तीनों ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इन ग्रहों का राशि परिवर्तन लंबे समय के बाद होता है। अब यदि हम बात करें मेष राशि वालों के बारे में, तो ये मेष राशि वालों की कुंडली है और राहु आपके 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं 30 अक्टूबर 2023 को लगभग 4:37 शाम से। राहु आपके 12वें भाव में आ जाएंगे और केतु आपके 6ठे भाव में कन्या राशि में 30 अक्टूबर को आ जाएंगे। इसके पहले केतु आपके 7वें भाव में चल रहे थे और राहु जो है आपकी राशि पर गोचर कर रहे थे, मेष राशि में गोचर कर रहे थे। मेष राशि पर राहु का प्रभाव था, राहु आपके सिर के ऊपर गोचर कर रहे थे और केतु आपके दाम्पत्य जीवन के भाव में, व्यापार के भाव में गोचर कर रहे थे। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 से राहु 12वें भाव में और केतु 6ठे भाव में, शनि आपके 11 भाव में कुंभ राशि में, स्वयं की राशि है शनि की, कुंभ राशि मूल त्रिकोण की राशि है, तो शनि जो है लाभ भाव में जो है वक्री से मार्गी 4 नवंबर को हो जाएंगे। जब शनि वक्री होते हैं तो जिन कुंडलियों में शनि वक्री होते हैं तो बुरे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि वक्री नहीं है उन लोगों को अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो शनि जिन लोगों को जून के महीने से समस्याओं को बढ़ाया था, तो समझ जाइए कि नवंबर के महीने में उन लोगों की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, और जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है उन लोगों के लिए शनि बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन लोगों को शनि जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने से ही प्रॉब्लम दे रहे थे, उन लोगों के लिए भी बदलाव का समय रहने वाला है नवंबर के महीने से। तो शनि के बारे में सटीक विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, 2024 के बारे में भी बताएंगे कि शनि आपको कैसे फल देने वाले हैं और राहु के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शनि के बारे में, क्योंकि शनिवत राहु और कुजवत केतु, राहु जो है शनि के अनुकूल ही फल देने का काम करता है। राहु एक छाया ग्रह है, मायावी ग्रह है, और राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए 18 वर्ष के बाद राहु आपके 12वें भाव में आए हुए हैं। वैसे 18 महीने में ये राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन 18 वर्ष में ये एक बार पूरी कुंडली का चक्कर लगा लेते हैं। केतु भी 18 वर्ष में पूरी कुंडली का चक्कर लगा लेते हैं और शनि को लगता है 30 वर्ष का समय। व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 तीन बार आती है, क्योंकि शनि जो है पूरी कुंडली में विचरण करने के लिए 30 वर्ष का समय लेते हैं, और ये तीन ही ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और लंबे समय तक जीवन पर बुरा प्रभाव, शुभ प्रभाव डालने का काम करते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो रंग से राजा बना देता है, और राहु यदि खराब हो तो राजा से रंग बनाने में भी देरी नहीं होती है। जितने भी 2 नंबर के काम होते हैं ये सब राहु के काम होते हैं। जो सडनली करोड़पति अरबपति बनते हैं वो राहु के कारण ही बनते हैं, क्योंकि राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो राजा से रंक बनाता है और रंक से राजा बनाता है। तो कम समय में यदि आपको तरक्की करना है तो राहु को ठीक करना पड़ेगा, और यदि आपको कर्म के अनुसार से तरक्की करना है तो फिर शनि के अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा। और शनि भी राहु के अनुकूल ही फल देने का काम करते हैं, और केतु जो है मंगल के अनुकूल फल देने का काम करते हैं।
यदि शनि आपकी कुंडली में बढ़िया है, जैसे कि इस कुंडली के आधार पर हम बात कर रहे हैं, गोचर के आधार पर बात कर रहे हैं, तो शनि आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि शनि कुंडली में तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में यदि गोचर करें तो सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। अन्य भावों में शनि के अच्छे बुरे वो अलग प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। यदि गोचर के हिसाब से शनि तीसरे और छठे बारहवें भाव में ग्यारहवें भाव में गोचर करे तो सबसे अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो शनि तो अभी आपके लिए बहुत अच्छे हैं, शुभ है और स्वयं की राशि में गोचर भी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि शनि आपको अच्छे परिणाम ही देने का काम करेंगे। लेकिन ये कब तक देंगे? शनि आपको फरवरी के महीने तक अच्छे परिणाम देंगे। फरवरी के महीने में ये अस्त हो जाएंगे, सूर्य के समीप होने के कारण ये अस्त हो जाएंगे। कब तक? ये एक महीने अस्त रहेंगे, लगभग लगभग मार्च के महीने तक। तो फरवरी से मार्च का जो महीना रहेगा वो आपके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि फरवरी के महीने में शनि जब अस्त रहेंगे, लाभ भाव में बैठे हैं, लाभ का जो प्रभाव है वो शनि के द्वारा ही है, तो कहीं ना कहीं जो जो लाभ है, नौकरी में दिक्कत, परेशानियां, ये सब करने का काम करेंगे फरवरी के महीने में। तो थोड़ा सावधान भी रहना है, कोई डिसीजन भी नहीं लेना है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, सतर्क रहने की जरूरत है फरवरी के महीने में। 18 मार्च के बाद शनि जो है मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कब तक कोई दिक्कत नहीं है? जून के महीने में, क्योंकि जून के महीने में फिर से ये बकरी हो जाएंगे, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम देंगे लेकिन कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन लोगों की कुंडली में शनि ऑलरेडी पहले से ही वक्री है, उन लोगों के ऊपर बुरा प्रभाव देखने को मिलने लगेगा। कब तक? जून के महीने से लेकर के 15 नवंबर तक, मोटा मोटा पकड़ के रखिए, 2024 की बात कर रहा हूं मैं, तो जून 2024 में ये जो है वक्री हो जाएंगे। अब ये वक्री रहेंगे नवंबर तक, 15 नवंबर तक, तो ये भी समय आपको देखना है। अभी 2023 में जून के महीने में शनि वक्री हुए हैं और ये नवंबर के महीने में 4 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। तो यदि आपको 2023 में जून के महीने से प्रॉब्लम यदि बढ़ी है, तो फिर जो है 2024 में भी यही समय आपका रहेगा। और यदि जून के महीने के बाद समय अच्छा रहेगा, अच्छा रहा, 2023 की बात कर रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि 24 में भी यही समय आपका व्यतीत होगा और अच्छा व्यतीत होगा, क्योंकि 2024 में शनि की स्थिति और बढ़िया रहने वाली है। तो शनि जो है आप जो है 2023 के अनुसार ही फल देख सकते हैं, लेकिन 2023 में शनि जनवरी फरवरी मार्च से थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ाने लगे थे, लेकिन 2024 में भी फरवरी से मार्च एक महीने तक प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करेंगे। तो शनि के लिए यदि देखा जाए तो 2024 आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, अच्छे परिणाम देंगे। कब तक अच्छे परिणाम देंगे? मार्च 2025 तक शनि आपके लिए सबसे बढ़िया है। मार्च 2025 से आपके ऊपर शनि की 7.5 चालू हो जाएगी और शनि की 7.5 का पहला चरण प्रारंभ होगा 2025 में मार्च में, तो ये बुरा समय कहलाएगा, क्योंकि 12वें भाव में शनि व्यय कराते हैं, नुकसान कराते हैं, खर्चे कराते हैं, तो सावधान रहने की आपको जरूरत है। तो ये चीज आपको ध्यान करना है। तो शनि जो है 2024 में अच्छे परिणाम देंगे। क्या क्या अच्छे परिणाम देंगे? शनि आपके कैरियर के मालिक है, कैरियर के मालिक होने के कारण आपके कैरियर में अच्छा प्रभाव रहेगा। कैरियर में नौकरी के लिए समय बढ़िया रहेगा, व्यापार के लिए समय बढ़िया रहेगा, स्वयं का काम यदि आप कुछ भी कर रहे हो तो समय आपका बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। शनि का एक रूल होता है, शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं। शनि कहां पर बैठे? लाभ भाव में, लक्ष्मी भाव में, मन इच्छा पूर्ति वाला जो भाव है वहां पर शनि बैठे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको इच्छाओं को पूरा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने का काम करेंगे। वही शनि मालिक जहां के होते हैं वहां के भी अच्छे परिणाम देते हैं। कैरियर के मालिक है तो कैरियर से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहने चाहिए, क्योंकि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में सबसे बेहतर है। लेकिन शनि जहां पर देखता है वहां पर बुरा प्रभाव भी डालता है। यहां पर एक सूत्र है, शनि जो है जब अपनी राशि में, और सबसे बढ़िया राशि शनि मानते हैं कुंभ राशि को, क्योंकि शनि की कुंभ राशि मूल त्रिकोण की राशि है और यहां पर सबसे ज्यादा सुकून प्राप्त करते हैं, इसलिए शनि कुंभ राशि में और एकादश भाव में सबसे अच्छा फील करते हैं।
अब यहां से जिस भाव को देखेंगे वहां पर भी ज्यादा बुरा करने का काम नहीं करेंगे। अब शनि की तीसरी दृष्टि आपके राशि पर रहेगी, तो यदि बुरा प्रभाव रहेगा तो आलस आएगी, काम करने का थोड़ा मन भी कम लगेगा, डिले होता रहेगा। आप डिले स्वयं करोगे, कोई काम यदि आज करना है तो आपके मन में रहेगा अरे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो समझ जाइए कि शनि का प्रभाव आपके ऊपर है, तो ये प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। वही यदि हम बात करें इनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी तो शिक्षा में भी जो है कहीं ना कहीं मन कम लगेगा, शिक्षा में भी पढ़ाई लिखाई में भी मन जो है कम लगेगा, टालने का प्रयास करोगे, अरे आज नहीं रात के पढ़ लूंगा, सुबह पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, समय मेरे पास बहुत है, तो समझ जाइए कि शनि का प्रभाव आपके ऊपर है और ये बुरा प्रभाव है और उसको दूर स्वयं करना है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। वही संतान के प्रति भी चिंता को बढ़ाएंगे, फाइनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा, खर्चे ज्यादा होंगे, तो समझ जाइए कि शनि का प्रभाव है और शनि का उपाय अपन को करना है, तो ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इनकी दशम दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव में पड़ेगी, सप्तम अष्टम नवम दशम, दशम दृष्टि अष्टम भाव में, अष्टम भाव में शनि की दृष्टि होने से ज्यादा यहाँ पर बुरा प्रभाव नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, खर्चों पर और स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, यात्राओं पर आपको फोकस करना चाहिए, वाहन चलाते समय भी थोड़ी सावधानी रखना चाहिए। वैसे विशेष यहाँ पर ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देते क्योंकि यहाँ पर शनि कारक माने जाते, आयु कारक माने जाते, तो दशम दृष्टि का प्रभाव थोड़ा कम भी होता है। तो शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा आपके राशि पर मन पर होगा, थोड़ा टेंशन बना रहेगा किसी भी काम को लेकर के, क्योंकि काम आप टालने का प्रयास करोगे, और वही जो है शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध में भी कहीं ना कहीं शनि की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है, लव लाइफ के लिए भी शनि अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो इसलिए यदि ये स्थितियां बन रही है तो शनि का उपाय आपको करना है। उपाय क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। बात कर लेते हैं राहु के बारे में। राहु जो है 30 अक्टूबर 2023 को 12वें भाव में आ जाएंगे और राहु शनि के अनुसार फल देने का काम करते हैं। हालांकि देखा जाए तो राहु 12वें भाव में अच्छे परिणाम कम ही देते हैं, बुरे परिणाम ज्यादा देने का काम करते हैं। लेकिन यदि शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो फिर राहु जो है मजबूरी बस अच्छे परिणाम देना पड़ता है राहु को। तो राहु अच्छे परिणाम यहाँ पर देने का काम करेंगे, क्यों? क्योंकि जो मालिक है वो स्थिति में अच्छी में है, इस कारण से राहु यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन फिर भी नकारात्मक ग्रह होने के कारण कुछ बुरे परिणाम देंगे। अब जैसे धन बहुत सारा आपको दे दिया, अब धन ये देंगे लेकिन उसके साथ परेशानियां लगा देंगे, कुछ नहीं तो आपको टेंशन ही बना रहेगा कि इसको कहाँ रखूं, कहाँ संभालूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, या तो जो पैसा आपको देंगे वो पैसा पूरा बर्बाद करवा देंगे, आप किसी बिजनेस में लगा दोगे, आप शेयर मार्केट में लगा दो, आप कहीं पर भी लगा दोगे तो वो पैसा आपके काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऐसे काम करने का काम राहु करते हैं। कई बार राहु 12वें भाव में कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा देते हैं, 12वें भाव के राहु अच्छे नहीं माने जाते, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क रहने की विशेष जरूरत रहेगी। जो यहाँ पर राहु बुरे परिणाम देता है तो उसको ठीक भी किया जा सकता है उपाय के माध्यम से। तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाते हैं, कई बार आपके ऊपर गलत आरोप लग सकते हैं, सावधान रहने की जरूरत है, कोई ऐसा काम ना करें जिससे जो है ये सब परेशानियां पैदा हो, ये आपके ऊपर है। आपको पता है कि मेरा समय खराब है और मैं यदि उस समय का सही उपयोग नहीं करूंगा तो नुकसान तो आपको ही होगा, चलते हुए रास्ते में कहीं ना कहीं तो गड्ढे आएंगे, इसलिए आपको सतर्क रहना है कि गड्ढे आना है, गाड़ी मुझे कैसे चलाना है, यदि आप स्पीड से जाओगे तो दिक्कत होगी, परेशानी होगी, और संभल कर यदि चलोगे तो कोई समस्या नहीं होगी। यही चीजें आपको ध्यान रखना है, ग्रह आपको यही सब बताते हैं। ग्रह किसी का भविष्य नहीं बदलते, ग्रह आपको कुछ देंगे नहीं, कर्म आपको ही करना है, लेकिन यहाँ पर ग्रहों का प्रभाव शुभ अशुभ होता है। जैसे कोई काम आप जो है 10 बार कर रहे हैं और सफलताएं 1 बार मिल रही है, लेकिन यदि ग्रह अच्छे हैं तो वही जो 10 बार में आपको सफलता मिल रही है वो 1 बार में ही आपको सफलता मिल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यही है, ग्रह आपको सपोर्ट करने का काम करते हैं लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो यही है कि आप प्रयास करो, ग्रह अच्छे हैं तो 1 बार में ही आपको सफलता मिल जाएगी। कई बार आपने देखा होगा कि आप खूब प्रयत्न कर रहे हैं
और उसके आप काबिलियत के लायक भी हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है वो काबिलियत के लायक नहीं है, उतना पढ़ा भी नहीं है, उतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन वो आगे बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसके जो ग्रह है वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो किसी भी चीज में हाथ डाल रहा है उसको सफलता मिल रही है। लेकिन आप प्रयास खूब करते हो, अच्छा काम भी करते हो, सद कर्म भी करने का काम करते हो, सद्भावना से करते हो, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती। कारण यही है कि ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में बढ़िया नहीं है, ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे और आप उनको बिल्कुल देख नहीं रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको सतर्क रहना है, सचेत रहना है, और यदि ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है तो उसको ठीक करने का उपाय भी करना है। तो राहु यहां पर सबसे ज्यादा क्या कराते हैं? खर्चे कराते हैं, व्यय कराते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। अब आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा तो किसी दूसरे का होगा, परिवार में किसी का भी हो सकता है, तो आना जाना आपका हॉस्पिटल का लगा रहेगा, बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि 12वें भाव में जब राहु गोचर करते हैं तो पुलिस केस भी करवा देते हैं। आपका केस नहीं होगा, कोई दूसरे का केस हो जाएगा, लेकिन आपको थाने जाना पड़ेगा, कोर्ट आपको जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसका काम ही है 12वें भाव में राहु का, कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, हॉस्पिटल के चक्कर लगाना। अब इसका सबसे बढ़िया उपाय क्या है बचने के लिए? आप जो है हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहिए, 2-4 महीने में जाइए हॉस्पिटल में, जाइए वहां का पानी पी लीजिए। तो इससे क्या होगा, फिर राहु आपको हॉस्पिटल नहीं भेजेगा। थाने कभी जाए, कोर्ट कभी गए, वहां पर हाथ पैर धो लिया, कुल्ला कर लिया, पानी पी लिया, तो कभी जो है कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ऐसा यदि आप करते रहोगे, क्योंकि राहु का तो काम है, जिस भाव में वो बैठेगा तो वो तो खींचेगा ही खींचेगा यदि खराब स्थिति में है तो इस कारण से जो है ये यदि आप करते रहोगे तो बचते रहोगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो यही बचाव है। अब यहां पर सबसे ज्यादा व्यय कराता है, पैसे व्यय कराएगा, पैसा तो खूब देता है 12वें भाव में भी, अचानक पैसे देता है, अचानक लॉटरी लग जाना, अचानक किस्मत पलट जाना, किसी भी क्षेत्र से अचानक फायदा हो जाना, लेकिन वो पैसा बचता नहीं है। तो उसको बचाने का प्रयास करो, ऐसे जगह लगाओ जहां पर आपको पता है कि यहां से पैसा कहीं जाने वाला नहीं, तो ऐसे जगह आपको लगाने की जो है स्थिति में रहना चाहिए। वही यदि हम बात करें तो यहां पर राहु बैठ करके आपके चौथे भाव में पांचवी दृष्टि से जो है देखेगा। अब चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का सुख तो आपको मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राहु 12वें भाव में बैठा हो तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का सुख नहीं देगा, देगा जरूर। और जो आपने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्रॉपर्टी खरीद पाऊंगा, लेकिन राहु यहां पर करवा देता है। हमने देखा है कई लोगों की कुंडली में, हमने देखा है कि राहु का जब भी समय आया और राहु 12वें भाव में था, राहु ने ही भूमि, भवन, प्रॉपर्टी खरीदवाया और वाहन खरीदवाया, लेकिन उसके साथ साथ परेशानी भी पैदा कर देता है। कई बार ऐसा होता है, प्रॉपर्टी आपने खरीद लिया, लेकिन उस प्रॉपर्टी के लिए आपको खूब मेहनत करना पड़ा, खूब टेंशन हुआ, खूब लड़ाई झगड़े हुए, खूब विवाद हुआ, तो ये स्थिति भी राहु बनाएगा। अब जैसे कि 10 लाख का कोई प्लाट खरीदा या फ्लैट खरीदा, आपके पास 8 लाख रुपए ही है, आपने उसको बोला कि भाई ये 8 लाख रुपए अभी ले लो और 4 महीने बाद मैं आपको 2 लाख रुपए और दे दूंगा, तो वो 2 लाख रुपए के लिए आपको इतना संघर्ष करवाएगा, इतना मेहनत करवाएगा, टेंशन दिलवा देगा, कोई ना कोई स्थिति को खराब करेगा, तो कहीं ना कहीं जो है परेशानियां पैदा करने का काम करेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके पास पूरा पैसा है तभी उसको आपको क्रय करना है, अन्यथा हाथ नहीं डालना है, नहीं तो वो प्रॉपर्टी भी आपकी जा सकती है। कई बार ऐसा होता है फ्लैट आपने बुक कर लिया, अब राहु ने फ्लैट तो बुक करा दिया, लेकिन वो जल्दी आपको फ्लैट में जाने नहीं देगा। तो इसलिए ये सब सारी चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब यहां पर जो है राहु की दृष्टि होने के कारण थोड़ा सा टेंशन भी बढ़ाता है, मानसिक टेंशन भी देता है, और माता के ऊपर स्वास्थ्य का बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। माता का जो स्वास्थ्य होता है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं खराब करने का भी काम यहाँ पर राहु करता है। राहु की सप्तम दृष्टि आपके 6वें भाव में रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है, तो शत्रुओं को परास्त करने का काम करता है, लेकिन शत्रु पैदा भी करता है, गुप्त शत्रु आपके पैदा भी करेगा और परास्त भी करेगा, आपको कुछ होगा नहीं, बस आप परेशान होंगे, तो यह स्थिति भी यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर केतु आपको बचाने का काम करेगा, क्योंकि राहु शत्रु पैदा भी करता है, तो केतु यहां पर अच्छे माने जाते हैं 6वें भाव में।
केतु यहां पर आपको बचाने का काम करेगा, कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, फिजूल का टेंशन बस रहना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। अष्टम भाव में भी राहु की नवम दृष्टि रहेगी। अब अष्टम भाव में राहु की दृष्टि होने के कारण गुप्त धन मिल जाना, अचानक लॉटरी लग जाना, अचानक पैसा आ जाना, कभी आपने कुछ सोचे ही नहीं, जो भी काम होंगे अचानक से होंगे, तो ये स्थितियां जो है होने वाली है अगले 18 महीने तक। सडनली कोई भी प्रॉफिट आपको हो सकता है, चाहे वो शेयर मार्केट से हो, चाहे वो आपकी पॉलिसी से हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे कैरियर से हो, चाहे जो आप काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं से जो है अचानक लाभ भी देने का काम करता है अष्टम भाव में जब भी राहु देखता है। तो ये 18 महीने तक राहु का प्रभाव रहेगा। केतु के बारे में बात करें तो केतु छठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, ये आपको सहायता करेंगे। राहु जहां पर डुबाने का काम करेगा वहीं पर केतु बचाने का काम करेगा, एक्स्ट्रा ज्ञान देगा, पावर देगा। अब जैसे राहु ने किसी गलत क्षेत्र में आपको पहुंचा दिया तो वहां पर केतु बचाएगा, अरे नहीं वहां पर गलत है, वहां नहीं करना है वो काम, तो ये अपना पूरा प्रयास करता है, बचाने का काम करता है, सहायता देने का काम करता है, ज्ञान देने का काम करता है, तो केतु आपके लिए सुरक्षा है। तो यहां पर केतु सबसे अच्छे परिणाम देता है, रोगों को दूर करता है, ऋणों को भी समाप्त करता है और शत्रुओं को परास्त करता है, कंपटीशन में भी सफलता देने का काम करता है। अब ये यहां पर हम नौकरी वाला भाव है, यहां से हम संघर्ष देखते हैं, नौकरी के लिए भी देखते हैं, कंपटीशन के बारे में देखते हैं। यहां पर केतु अच्छे परिणाम देता है, कंपटीशन के लिए, नौकरी के लिए अच्छा समय रहने वाला है, केतु अच्छा लाभ देगा। यहां से देखा जाए तो केतु की पांचवी दृष्टि कैरियर के भाव में, यहां से संघर्ष करवाएगा, कंपटीशन से सफलता देगा और आपको कार्य में लगा देगा। कैरियर के भाव में केतु की दृष्टि होने के कारण कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो अच्छे फल ही आपको देखने को यहां पर मिलेंगे, क्योंकि केतु बुरे परिणाम कम देता है। आध्यात्मिक ग्रह है केतु और ये हमेशा धर्म के क्षेत्र पर जो है प्रयास करता है जातक को चलने के लिए। वही देखा जाए तो इनकी दृष्टि बारहवे भाव में भी रहेगी, तो विदेश की यात्राएं भी करवाएंगे, धार्मिक यात्राएं भी करवाएंगे, कहीं घूमने के लिए जा सकते हो, अच्छे जगह जा सकते हो, तो केतु जो है समझ जाइए कि आपके लिए बढ़िया है, विदेश के लिए बहुत अच्छी। इनकी नवम दृष्टि आपके धन भाव में पड़ेगी, तो केतु जो है धन भी देने का काम करते हैं, आय में वृद्धि भी करने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं धन के स्रोत भी पैदा करेंगे। एक काम यदि आप कर रहे हो तो साथ ही साथ दो तीन चार काम भी आप कर सकते हो, एक्स्ट्रा अर्निंग करवाने का काम भी केतु जो है करने वाले। तो केतु के ये फल जो है 2024, ये समझ जाइए 2025 तक जो है केतु यहां पर रहेंगे, मई के महीने तक, लगभग 18 मई तक। तो राहु जो है मई 2025 तक बारहवें भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद तो क्या कहना है, उसके बाद तो राहु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं लाभ भाव में। यहां पर फिर ये स्थिति नहीं रहेगी कि ये अच्छा लाभ भी देंगे तो परेशानियां भी देंगे, तो यहां पर राहु की बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है और केतु की यहां पर और अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो फिर 2025 में मई के बाद राहु और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन शनि जो है वो आपके लिए नकारात्मक हो जाएंगे, तो फिर भी राहु उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शनि के अनुकूल ही ये फल देने का काम करते हैं, शनि के प्रतिकूल ही ये फल देने का काम नहीं करते। शनि यदि अच्छा है तो अच्छे परिणाम देंगे और शनि यदि बुरे हैं तो फिर वो बुरे परिणाम भी देने का काम करते हैं। तो दोनों ही स्थिति मिला जुला करके देखना चाहिए। तो यही स्थिति है। हाँ, जिन लोगों की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, राहु की अंतरदशा चल रही है, तो बुरे प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि राहु की स्थिति ठीक नहीं है आपके लिए और वही राहु की महादशा भी चल रही है, अंतरदशा भी चल रही है, तो ज्यादा नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। तो यहां पर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब राहु का उपाय क्या करना है, राहु का उपाय, राहु के बीज मंत्र का जप करिए, ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का शाम के समय प्रतिदिन आप जप किया करें और काले कंबल जो है दान करिए, साथ ही साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। केतु के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि केतु बढ़िया है। शनि को और अच्छा मजबूत करने के लिए पीपल की सेवा करिए, तो फिर अच्छे परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद।
यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893।